अभी हमारा लगेज आ चुका है चेकआउट करने के लिए। अभी चेकआउट करके फिर वो रहा रेलवे स्टेशन, उधर जाएगा। 12 बजे का गाड़ी है। चलो दोस्तों फिर उधर मिलते हैं। अभी रात के बज रहे हैं 11:30। ये रहे लाड भाई अंकल, वो देख रहे हैं किधर लगाएगा गाड़ी। ये कुछ ऐसा कुछ कोटेशन का नज़ारा है। ये आ गया गाड़ी नंबर, देखते हैं इधर अपना लगेज है। खाली बैग है ये, ज़्यादा ज़्यादा इसमें लगेज कुछ नहीं है, खाली बैग है। और अपना जो प्लेटफॉर्म नंबर लिखिएगा, ये कौन सा नंबर है, कोच्ची भी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे लगाया है गाड़ी। अपना है 19259 कोच्ची वाली ट्रेन है अपना। कोच्ची वाली टू आपको देखा 259 कोच्ची वाली भावनगर एक्सप्रेस, ये 4 नंबर प्लेटफॉर्म में दिखा रहा है। तो ये रहा अपना 4 नंबर प्लेटफॉर्म, अभी हम जाएंगे। वो एंट्री गेट है, उधर से हम लोग अभी निकलेंगे। लाड भाई देख रहे मगर उनको समझ में नहीं आ रहा कौन से प्लेटफॉर्म में जाने का। चलो फिर देखते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 ये रहा कोझिकोड स्टेशन। ये कुछ ऐसा रात नाइट का ऐसा नज़ारा है। ये IRCTC का खाना वाला किचन रहता है, होटल इतना अच्छा नहीं रहता IRCTC का। और अभी हम चल के जा रहे हैं एस्केलेटर में सीढ़ी में जाने के लिए, क्योंकि थोड़ा बड़ा बैग है तो अंदर लेने के लिए अच्छा रहेगा एस्केलेटर में। ये ऐसा कुछ ऐसा नज़ारा है स्टेशन का। अभी बज रहा है 11:30। रूम पे बहुत मच्छर काट रहा था, इसके लिए हम लोग जल्दी चले हैं। ये तो 12 बजे के, तो हम लोग 11:30 बजे निकलने वाले थे। चलो इधर आके थोड़ा टाइम पास करके निकल जाएंगे। और ट्रेन टाइम पे है, मैं देख रहा था। सीढ़ी में एस्केलेटर में चढ़ा के अभी जाएंगे। ये लाड़ भी लेके गए, ये मेरा सामान है। ये ऐसा कुछ एस्केलेटर में हम लगेज लेके जा रहे हैं। एक और बनना अच्छा किया है सामान के लेने के लिए। अब इसमें ये लिफ्ट में अपना लगेज चढ़ा के नीचे जाएंगे। उधर सीढ़ी में है बट हम लोग नहीं जाएंगे, अभी ये लिफ्ट से ही जाएंगे। ये रहा अपना लगे। ये कुछ ऐसा लिफ्ट का नजारा है। ये अभी ग्राउंड फ्लोर में जाएगा। प्लेटफॉर्म से हम लोग का ट्रेन लगने वाला है, वो प्लेटफॉर्म में हम लोग आ चुके हैं। ये रहा प्लेटफॉर्म नंबर 4। उधर लाड़ बह गए पानी लेने के लिए। और ऐसा रात को 11:30 बजे का ऐसा नज़ारा है। अभी टाइम बज रहा है 11:28। ये रहा ऐसा कुछ नज़ारा स्टेशन का कोझिकोड। अभी हम फाइनली हम लोग टेस्ट ट्रेन में वेट कर रहे हैं। लगभग 12:15 का ट्रेन है अपना, देखते हैं कितना बजे तक आता है। अपना कोच्ची वाली टू भावनगर ये गाड़ी जाते हैं, हम लोग वसई रोड से उतर जाएंगे। और चलो अभी कुछ वेट करने के अलावा कुछ टाइम नहीं है, वेट ही करेंगे गाड़ी का। और
आप सभी को विषय ब्लॉग में स्वागत करता हूँ। नए आए तो लाइक कीजिए और कोई भी नया आदमी रहेंगे तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और हौसला ऐसे ही बढ़ाते रहिए। तो मेरा हिंदी थोड़ा प्रॉपर नहीं बैठ रहा है, धीरे धीरे बोलता जाऊँगा, वीडियो बनाता जाऊँगा तो मैं प्रॉपर बैठेगा। तो दोस्तों फिर आपको ट्रेन का आगे का जर्नी दिखाऊंगा, ट्रेन आएगा तो मैं आपको ट्रेन का भी फुटेज बता देता हूँ। अभी बहुत दिन के बाद कॉफ़ी पी रहा हूँ, ये IRCTC का है, कैसा लगता है मैं आपको बताता हूँ। लाड भाई ने रिक्वेस्ट किया इसके लिए मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ। ये इतना अच्छा नहीं, इतना बुरा नहीं, मीडियम रहेगा, अच्छे चले, काम चलेगा। कॉफ़ी ठीक ठाक है। फिर लाड भाई का टी पी के बताएंगे रिव्यू। मज़ा नहीं आया, वैसा रिटर्न। ट्रेन आ चुका है, ट्रेन जल्दी आ चुका है, 10 मिनट पहले आ गया। ये रहा इंजन का डब्बा, आ चुके हैं। अभी हम लोग देखते हैं कैसा कुछ नंबर रहता है। हाँ, कोच्ची बोली भावनगर B5 अपना B4 में है, 23-24 नंबर। लाड़ में घुस रहे हैं, चलो ये भाई लाड़ भी जा रहे हैं, भाग भाग के, ट्रेन भागेगा नहीं, आराम से जाओ। ये रहा अपना ट्रेन। फाइनली अपना सीट मिल चुका है, वो रहा 23-24। ये रहा कुछ ऐसा, मेरा ये ऊपर का सीट है, ये मेरा लगेज ऊपर रख दिया है। अभी थोड़ा टाइम बैठेंगे, फिर इतना पुराना डब्बा है मिला है आपको, ठीक है। इधर रात सोने का वो दिया है, कंबल, तकिया, तकिया, कंबल और वेस्टेड दिया है, ये सब पैक वाला आता है आपको। ये IRCTC वाला ने अच्छा किया, ये ऐसा पैक बुलाता है, ठीक है। रहा वॉशरूम का, ये पुराना डब्बा लगा है, इसके लिए इतना ये नहीं है, पुराना ही सब सिस्टमेटिक है। बाकी इधर एक पंखा लगाया है, ये कुछ ऐसा क्या लगा है समझ में नहीं आ रहा है। एक बाहर का एक पंखा लगा है एयर जाने के लिए, ये सब कुछ है, थोड़ा ठीक ठाक है। बाथरूम का ऐसा रिव्यू था, आपको दिखा दिया, इतना बराबर नहीं है बट भी पुराने के हिसाब से ठीक ठाक। हैंड सैनिटाइजर मिल जाएगा ऐसा वाला, बाकी ऐसे में वही फायदा है, बेडशीट, कंबल और थोड़ा नेगेटिव क्लीन रहता है, इसलिए लोग ऐसे में ट्रैवल करते हैं। बाकी स्लीपर में इतना क्लीन नहीं रहता, एसी में थोड़ा क्लीन रहता है, चादर तकिया ये सब मिल जाता है और बाथरूम थोड़ा साफ रहता है, इसके लिए एसी में ट्रैवल करते हैं और एक गर्मी के लिए भी ठीक ठाक है। तो दोस्तों गुड नाइट, अभी नेक्स्ट ब्लॉग में आपको कल मॉर्निंग में मैं दिखाऊंगा, वैसे अभी मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। अभी अपना ट्रेन टाइम पे छोड़ चुका है, ये रहा अभी पूछेगा, ये नज़र है प्लेटफॉर्म का। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी बज रहे सुबह के 9 बज रहा है और अभी मैं उठ चुका हूँ, फ्रेश होने के लिए ब्रश ब्रश का किया नहीं है,
ये अपना ट्रेन रुक चुका है, ये हारवाड़ा रेलवे स्टेशन पे रुका है। ये अपना बर्थ है B4 पे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, रात को 9 बजे लगभग लगेगा गाड़ी। ये अभी गाड़ी रखा है, फिर आगे का अपडेट मैं बताता हूँ। ये कुछ ऐसा बाहर का नज़ारा और सूर्य का नज़ारा, क्लाइमेट मस्त लग रहा है। इधर रुका है ये वाला रेलवे स्टेशन। तो यह रहा अपना गाड़ी, मड़गांव आ चुका है, हाफ एन आवर लेट है। अभी बज रहा है 10:57, मतलब लगभग 11 बज चुका है। लाड़ भी उधर कुछ खाने के लिए देख रहे हैं। ये कुछ ऐसा नज़ारा है, प्लेटफॉर्म का नज़ारा है। ऐसा गाड़ी लग चुका है मड़गांव, मड़गांव स्टेशन। दोस्तों अभी 11 बजे मड़गांव लग चुका है, 10:30 का टाइमिंग था, हाफ एन आवर लेट चल रहा है गाड़ी। अभी इधर 10 मिनट का होल टाइम है, देखते हैं कुछ नाश्ता पानी करते हैं। और खाना भी ऑर्डर दे दिया हमने, इसमें कैंटीन है ये ट्रेन में। तो हम लोग कुछ भी लो, कुछ भी लो। अभी नाश्ते के लिए कुछ मंगा रहे हैं लाड़ भाई, देखते हैं क्या मंगाते हैं। ये ऐसा मड़गांव स्टेशन है, इतना बड़ा नहीं है इतना, मगर ये इधर से गोवा के लिए बहुत लोग उतरते हैं गोवा जाने के लिए। मैं भी कभी गया नहीं गोवा, देखते हो जिंदगी में कभी गोवा जाने के लिए मौका मिलता है कि नहीं। इतना गोवा के लिए इंटरेस्ट नहीं है, क्या देखना है उधर गोवा में, खाली समुंदर और बीच, थोड़ा राइडिंग वाइडिंग करने का। सब गोवा के लिए पागल है, मगर मैं कभी गोवा नहीं गया पापा। तो दोस्तों देखते हैं अभी क्या मंगा रहे हैं। मेरा लाड़ भाई बड़ा ले लिया, ये इडली बड़ा। हाँ महंगा है भाई, इडली बड़ा, इडली बड़ा। दोस्तों ठंडा ठंडा खा के मजा आ गया, मजा, ये इडली बड़ा। हमने 3 मंदी बड़ा लिया 50 रुपये में, इतना खास नहीं है, मगर जबरदस्ती खाना पड़ता है, दिल कुछ खाने को नहीं मिलता है इसलिए। अभी ट्रेन छोड़ चुका है मड़गांव से, ये अपना नीचे का सीट है, साइड लोअर साइड अपन। अभी लाड़ बहन चॉकलेट ले था, बुखार रहा है। आता है इसके लिए नेटवर्क का अपलोड प्रॉब्लम ऐसे रहता है। ये कुछ ऐसा बाहर का नज़ारा है, ट्रेन ट्रेन है ऑलरेडी लेट चल रहा है, अपना आवर एक अपना आवर लेट चल रहा है। और अभी मेरा हमारा ट्रेन ऐसा कुछ नज़ारा है। झील आया, झील तरफ से अच्छा लुक आ रहा है। ये उधर से देखो कैसा ट्रेन जा रहा है, ये ज़्यादा बाहर निकलूंगा तो मोबाइल गिर जाएगा। अरे गाँव के बाद ट्रेन बहुत रुका रहा है, ये ऐसा भी क्रॉस होके जा रहे हैं, वो रहा इंजन। चारों तरफ हरियाली हरियाली,
आ गया ये देख के, वाटरफॉल भी आ गया। उनका वेज है दाल राइस और एक आलू का सब्जी रोटी दिया है और ये कुछ पनीर करेगा शायद। राइस दाल ये चिकन रहा ये रोटी ऐसा बोलो मैं चिकन ही खाता हूँ। हाँ मेरे को दूसरा जमता नहीं है, मेरे को चिकन ही पसंद है, वेज पसंद है। चलो खाना खा के टेस्ट करके बताना कैसा है। इसमें चार रोटी मिला है, खाना भी अच्छा है, टेस्टी है, गरम गरम खाना। चिकन का चार पीस है, चिकन भी तीन चार पीस है। ये बता ना चम्मच है, चम्मच अच्छा है उसके इतने राइस है। चलो खा के बता दो। अभी खाना हो गया, खाना टेस्टी था और अभी ये इसमें ही पूछ लेंगे हायर सिटीसी का गवर्नमेंट का चद्दर को उसको साफ कर देंगे। दोस्तों अभी बज रहा है 1:50 हो रहा है टाइमिंग। अभी मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, अभी सोने के अलावा और कुछ काम नहीं है इधर। ये रहा ऐसा कुछ, एक तकिया मिला है, अभी थोड़ा ठंड लग रहा है उसके लिए मैं अभी कंबल जा रहा हूँ। तो फिर सोने के उठने के बाद आपको आगे का अपडेट बता दूँगा। एक्चुअली पनवेल रात को 9:30 आएगा, तो अभी मैं कुछ काम नहीं है ज़बरदस्ती सोने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। तो दोस्तों दिन में भी आपको गुड नाइट कर रहा हूँ। तो अभी बज रहा है 7:30, रोवा में रुका दिया है गाड़ी अपना और लगभग इधर 8:10 को इधर निकलेगा, लगभग हाफ एन आवर इधर रुकेगा गाड़ी। ट्रेन जल्दी पहुंचा दिया गाड़ी, इसके लिए गाड़ी रुका दिया है। अभी लगभग आधा घंटा पौना घंटा रुकेगा इधर, फिर रुक के जाते हैं।
क्योंकि पनवेल का टाइमिंग है 9:10 का, तो ट्रेन टाइम पे भी और बिफोर आ गया ट्रेन, 40 मिनट्स का जल्दी आ गया। अभी 8:10 को ये छोड़ेगा ट्रेन। तो अभी हमने नाश्ता कर लिया, घर पे जाके खाना खाएंगे। रात को मेरे को 12 बज जाएगा क्योंकि मेरे को पनवेल से फिर दादर जाने का है। तो देखते हैं लोकल ट्रेन में, नहीं तो टैक्सी करके जाना पड़ेगा, और उधर से फिर घर पे आने के लिए 1 घंटा लगेगा। तो लगभग 12:30 बजेगा, 1 बज जाएगा। देखते हैं कितना टाइम में पहुँचते हैं, आपको ब्लॉग में बताऊँगा आगे का। अभी फ़िलहाल के लिए गाड़ी है ऐसा रोहा स्टेशन में रुका है, कुछ ऐसा नज़ारा है रोहा स्टेशन का। मेरा लगेज अभी पनवेल आने वाला है, उतरने के लिए रेडी है। रेडी अभी 5 मिनट में ट्रेन पनवेल में उतर जाएगा, तो ये लगेज लेके मैं जाऊंगा कंपनी। अभी मैं घर पे आ चुका हूँ, अभी 11:58 बज रहा है टाइमिंग रात का, लगभग 12 बज गया है। अभी मैं घर पे आ चुका हूँ, रुका अपना सफरिंग करके कंपनी में गया, लगेज रख के मैं अभी आ चुका हूँ अपने रूम में। ये रहा मेरा खाना रेडी है, भात और चिकन है, इधर ये दाल अपना गर्म कर रहा हूँ मैं। तो दोस्तों आज का ब्लॉग आपको पूरा दिखाया जितना हो सके, और विषय ब्लॉग ऐसे ही लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। नए हैं तो चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। गुड नाइट दोस्तों।